जी, सबसे पहले कश्मीर में जा रहा है क्रिकेट 40 साल के बाद। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय रमन रहीजा एंड विवेक सर, और बहुत सारे नए शिखर धवन आए हैं, वापस टीम में खेल रहे हैं, वो अभी रिटायर हुए हैं, तो आई थिंक गुड टू हैव हिम बैक। इतने साल हम साथ में, दिनेश कार्तिक ऑल्सो कमिंग टू द टीम, और अच्छी बात है आप छोटे शहर में खेले। लास्ट टाइम जम्मू में खेले थे, बहुत मजा आया। अभी सूरत में होगा, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जोधपुर में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हर टूर्नामेंट की जो क्वांटिटी है अलग तरीके से एक इंप्रूव हो रहा है, तो आई थिंक गुड टू बी बैक फॉर द लेजेंड ऑफ द गेम। नहीं बिल्कुल, अभी टेस्ट मैच की टीम बनेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली ट्रॉफी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है बीसीसीआई ने, कि मुझे याद है जब हम लोग पहले खेलते थे दिल्ली ट्रॉफी, जितना ज्यादा खेलते रेड बॉल तो आपको आइडिया मिलता है कि काफी सारे प्लेयर दिल्ली ट्रॉफी खेल रहे हैं, चार टीमें हैं, तो एक अच्छी ऑपरचुनिटी। और बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, और जब कानपुर में है फिर काफी सारे मैचेस भी बाहर उधर होंगे, तो अच्छी एक टेस्ट सीरीज है। बिफोर आप जा रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उससे पहले काफी टीमें भारत भी आ रही हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा। और बांग्लादेश को हम आंक नहीं सकते हल्का, क्योंकि वो काफी अच्छा स्पिन अटैक भी उनका है, काफी अच्छे उनके प्लेयर हैं जो काफी टाइम उन्होंने अच्छा किया। आई थिंक मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर्स है ना, यू आर एडिंग वन एक्स्ट्रा बॉलर, यू आर एडिंग वन एक्स्ट्रा बैटर। तो 20 साल जो आईपीएल हुई है देखेंगे 260 बना, आई थिंक गुड टू थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। बट आई लाइक ओल्ड स्कूल क्रिकेट, जहां पर आप 11 प्लेयर होते हैं, फिर उसका आप कोशिश करते हैं जो आपके पास खेमे में, जो सर्किल में आपके पास जो सुविधा है उसको यूज करना। तो मुझे लगता है कि चेंज हो जाता है काफी सारा गेम, किसी के पास बेटर हो जाता है, किसी को थोड़ा कभी दिक्कत हो। मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कैसे आप नया, अगर आईसीसी में यूज हो रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर तो होना चाहिए, तो आई थिंक इज बेटर वी शुड प्ले विद द 11 प्लेयर्स। सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज वर्ल्ड कप खेले, जो हम 2 साल पहले देख रहे थे उनका, सबसे अच्छा लगा उनका जो जज्बा, उनकी जो मेहनत, उनकी जो मानसिकता दिखी, बड़े दृढ़ निश्चय दिखे वो, जिस तरीके से उन्होंने